हेलो बच्चों, ये हमारा वीडियो साइंस का क्लास सेवेंथ के बच्चों के लिए स्पेशली यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। और आज जो है हम आपका साइंस का पहला चैप्टर, क्लास सेवेंथ विज्ञान का जो है पहला चैप्टर मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो आपके लेसन्स में जो दिए गए हैं चैप्टर में, मेन वही पॉइंट्स के बेस पे ये बताया गया इसमें। तो आइए हम देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, स्पेशली जो है दिया है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे विज्ञान और मानव यानी मनुष्य और प्रौद्योगिकी का आपस में क्या रिलेशन है, उनसे क्या मानव पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं और उससे क्या क्या फायदे हैं मानव को, उसके बारे में बताया गया है। तो मानव, हम सभी जानते हैं कि मानव जो है आज पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है या सबसे बुद्धिमान जीव है, जो अपने जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ नई तकनीकियां इस्तेमाल करता रहता है और जिससे वो कुछ अपने आप को अधिक डेवलप कर सके या अधिक अधिक अर्निंग कर सके और काफी ऊंचाई तक पहुंच सके। तो इसलिए उसने कुछ अपने दिमाग को लगाना शुरू किया और नई नई चीजों की खोज करना शुरू कर दी। तो हम इसमें आई चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के द्वारा किसी भी कार्य को आसान कर दिया जाए, वही हमारा प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी वह ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, वो हमारा प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब प्रौद्योगिकी से हमारे दैनिक जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हम जो डेली अपना वर्क करते रहते हैं उसमें प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, यानी प्रौद्योगिकी किस तरह हमारे जीवन के लिए लाभदायक होता है। तो प्रौद्योगिकी जो है कि हमारे जीवन में हर एक काम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे कि हमें एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाना होता यातायात के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं जो भी हम पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन जो है आप घर बैठे ही ये सब पढ़ ले रहे हैं, ये भी एक प्रौद्योगिकी का ही पार्ट है। इस समय जितनी भी मिसाइलें वगैरह बनती, मिसाइलें हो गई, टैंक हो गया, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, जो भी एवरीथिंग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, हमारे टेलीफोन हो गया, फैन हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सभी चीजें जो है ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली है और इसी के द्वारा इसमें हम जो है विज्ञान की कहीं कहीं विज्ञान का हम सारा उपयोग करके ही अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। नेक्स्ट है, इससे मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। आज से बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय छोड़िए, अगर हम अपने बचपन की अगर बातें करें तो हम लोग भी ये भी कभी नहीं सोचते थे कि हाँ आज मोबाइल कभी यूज करेंगे या टेलीफोन जैसी सुविधा आएगी। तो हम लोग भी अपना बातें वगैरह जो भी करते थे, हमारे समय में होता था कि नहीं चलो खत लिख दिया, लेटर लिख दिया, एक अपना कोई भी माध्यम होता है, एक व्यक्ति को हम दूसरे व्यक्ति से मिल के डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है, यानी विज्ञान की देन है, सबके पास मोबाइल हो गया। पहले स्टार्टिंग में आया था टेलीफोन, उसमें वायरिंग होती थी, अंदर से फोन आता था, किसी को बुलाना पड़ता था, इस तरह से होता था। लेकिन फिर सेलफोन यानी मोबाइल का इस्तेमाल हुआ और इससे हम थोड़ा एडवांस हो गए। और उसके साथ साथ ही शुरू में हम साइकिल चलाते थे, सबके पास जो है बाइक वगैरह नहीं होती थी तो लोगों को बहुत दिक्कत होती, 60-70 किलोमीटर तक लोग जो है पर डे जो है साइकिल वगैरह चलाते रहते थे। और अब जो है सबके पास बाइक हो गई है, हर कोई व्यक्ति कार से जा रहा है, अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आप एरोप्लेन से बहुत आसानी से चले जाते हैं, ट्रेन है, ट्रेन में हजारों लोग एक साथ जो है सफर करते चले जाते हैं। तो ये सब जो टेक्निक्स है ये हमारे प्रौद्योगिकी के द्वारा आई और जिससे मानव जीवन में काफी परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी ने हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन में परिवर्तन कौन कौन से लाए। तो इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन, मैंने आपके चैप्टर में लिया कि किस किन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। तो इसमें आपका पहला है औद्योगिक। अब औद्योगिक में क्या होता है, औद्योगिक के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन हैं जिससे इंडस्ट्री का निर्माण होता है,
यातायात के लिए कंपनी भी, जितनी भी कंपनी होगी एग्रीकल्चर से हमारे खेती की बात कर लें, उन सब में भी बहुत सी चीजें बनती जाती हैं। और युद्ध के लिए यानी देश सुरक्षा के लिए, अपनी राष्ट्र सुरक्षा के लिए हम मिसाइलों का निर्माण करते हैं और बम बन रहे हैं, एटॉमिक बम बन रहे हैं। और हेल्थ के लिए भी हमारे बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत सी मशीनों का निर्माण किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं एक साइंस के द्वारा बनाए जाते हैं, और उसके लिए उसी को हम जो है औद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जनसंचार। जनसंचार में सिंपल सी बात है कि हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचाएं, वही हमारा संचार होता है। या जैसे अभी फोन की बात करें तो उसको दूरसंचार विभाग कहा जाता है कि आप एक दूसरे से कैसे बातें करें, ठीक उसी प्रकार से हमारा जनसंचार। तो जनसंचार में हमारा पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर जिसे हम सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये इसे हिंदी में हम संगणक भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो आपकी मैथ कैलकुलेशन हो। इस टाइम तो यही पढ़ने के लिए भी यूज किया जाता है, हर ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट चलाने के लिए भी आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम कंप्यूटर से सारे काम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम मौसम भाई हमारे पृथ्वी से बाहर क्या हो रहा है, इन सबकी जानकारी हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। मौसम के बारे में भी हम कंप्यूटर के द्वारा रिसर्च करते हैं, सब बताते हैं, और कंप्यूटर से हमें बहुत चीजें मिल जाती है। और कुछ भी आपको सर्च करना है तो इंटरनेट, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट लगभग एक ही साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ये भी एक हमारा टेलीफोन वायर उनसे जुड़ा हुआ एक नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट से कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो और किसी भी तरह से हो, अपने हर एक माध्यम को, यानी हर एक सूचनाओं को जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकता है। नेक्स्ट ईमेल। ईमेल भी एक प्रकार से मैसेज भेजने की व्यवस्था है, और इस ईमेल के अंतर्गत ये एकदम सिक्योर होता है। आप कुछ भी मैसेज करते हैं और कहीं भी दूर, कितने भी दूर हो, ये मैसेज जो है कंफर्म भी पहुंचता है। और सिंपल सी बात यह कि ये बिल्कुल सिक्योर है, इसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और इसमें आप कोई भी डाटा हो अधिक से अधिक डाटा भेज सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल फोन। आजकल हर लोगों के पास मोबाइल फोन है। इसके अंतर्गत ये एक प्रकार से हम ये कहें तो कंप्यूटर और इंटरनेट, इन तीनों का काम मोबाइल में किया जा सकता है। स्मार्टफोन यानी इसमें सबसे आसान माध्यम है और लोग इसको अच्छी तरह से यूज भी करते हैं। नेक्स्ट आपका कृषि। अब प्रौद्योगिकी ने कृषि में कैसे परिवर्तन ला दिया। देखिये पहले जो टाइमिंग थी तो कृषि के अंतर्गत जो है लोग खेती करते समय एकदम मौसम के ऊपर डिपेंड रहते थे कि बारिश होगी तभी हम खेती करेंगे, बारिश नहीं हुई तो जितनी भी खेती की गई है वो सब जो है खराब हो जाती थी। लेकिन अब जब से विज्ञान ने स्टार्ट किया, यानी विज्ञान जैसे हमारे मनुष्य के, यानी विज्ञान जो है, विज्ञान की जब खोज हुई तो इसने कृषि के क्षेत्र में भी परिवर्तन ला दिए। अब जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर हो गया, बहुत सी बड़ी बड़ी मशीनें हो गई जो जो भी खेती में जो भी फसलें होती है उसको काटने में बहुत कम समय लेती हैं और आसानी से उसको खत्म किया जा सकता है। सिंचाई के लिए आप जो है नहरों का निर्माण किया गया, और सिंचाई के लिए जो है नलकूपों का, यानी ट्यूबवेल्स वगैरह, समरसेबुल इस टाइम बहुत यूज किया जाता है, इंजन हो गए, ये सब जो है पानी निकालने के लिए, इससे जो है सिंचाई आसानी से हो जाती है। और औद्योगिकी के द्वारा बहुत से कीटनाशक और बहुत से प्रकार के हाइब्रिड बीज का भी निर्माण होता है जो कि कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन भी करते हैं और साथ साथ जो है हमें अधिक फायदा भी देते हैं। नेक्स्ट आपका ईंधन। ईंधन भी ये प्रौद्योगिकी के द्वारा ईंधन में भी क्रांति आई। पहले लोग जो है जंगल से लकड़ियां काटते थे और गाय का गोबर से सब मिला उला के अपना ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है ईंधन के लिए एलपीजी गैस, ठीक है, ये जब से लोगों के पास हुआ है तो काफी सुविधा होती है उन्हें भोजन बनाने के लिए, तो ये भी हमारे विज्ञान की ही देन है जिससे इसमें भी काफी मुनाफा हुआ। साथ साथ
चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी ने बहुत ही सहायता की है। विज्ञान, अब विज्ञान के द्वारा चिकित्सा में बहुत सी चीजें डेवलप हुई है। एक्सरे हो गया आपका, एंडोस्कोपी हो गया, इन सब के द्वारा आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी आसानी से देख। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत बहुत सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से विमान का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो है हमारे देश की सुरक्षा की जा सकती है। एटॉमिक बम, परमाणु बम इत्यादि बनाए गए हैं जो हजारों लोगों, लाखों लोगों को एक ही साथ मारने की क्षमता रखते हैं, या हजारों किलोमीटर दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो मिसाइलें एक जा सकती हैं। और हमारे भारत में निर्मित कुछ मिसाइलें हैं जिसमें आपका पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये हमारे भारत में ही बनाया गया है। और नेक्स्ट है आपका इसी से रिलेटेड कुछ क्रांति के नाम जो कि आपके अदर एग्जाम में भी यूज किए जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देते हैं टेस्ट के लिए, उन सब में ये पूछे जाते हैं। पहला आपका हरित क्रांति, से विभिन्न क्रांतियां हैं इसमें, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति और नीली क्रांति। ये जो आपके 5 पॉइंट्स हैं, ये आप कभी भी बड़े भी हो जाएंगे तब भी ये 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। से हरित क्रांति, हरित क्रांति के अंतर्गत है फसलों का उत्पादन, ठीक है, यानी फसल उत्पादन जब अधिक से अधिक किया जाए, कम समय में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन, वो हमारा हरित क्रांति कहलाता है। दूसरा है आपका श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध निर्माण की बात की जाती है कि हम कैसे अधिक से अधिक दूध का निर्माण कर सके। नेक्स्ट आपकी पीली क्रांति, पीली क्रांति इसके अंतर्गत तिलहन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट भूरी क्रांति, भूरी क्रांति के द्वारा उर्वरक यानी खाद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आपका नीली क्रांति, इसके द्वारा मछली पालन या मछली उत्पादन का निर्माण किया जाता है। और इस तरह ये सभी क्रांतियां हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको अपने कॉपी में भी नोट कर लें, और हो सके तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो अच्छे से आपको समझ में आए। थैंक यू।